छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह खैरागढ़ उपचुनाव जीत पर आश्वस्त, कहा मतदाता कांग्रेस को नकारेगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आम आदमी पार्टी ने निकाली वाहन रैली, कांग्रेस के दो सदस्य आपने हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में दो सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत संविदा कर्मचारी धरने पर समर्थन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के मरवाही में तीन हाथियों का दल बढ़ा रहा है सभी का चिंता, वन विभाग के अधिकारी ले रहे हैं ग्रामीणों की मदद। मध्य प्रदेश के खजुराहो के सांसद ने टाइगर रिजर्व का किया भ्रमण, कहा खजुराहो और पन्ना बनेगा बड़ा टूरिस्ट हब। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। एमपीसी स्पेशल के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 25 दिनों से विद्युत संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि खाली पदों पर नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति की जाए। वही कर्मचारी संघ को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। रमन सिंह ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है कि आज विद्युत कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। भाजपा शासनकाल के दौरान नियमितीकरण किया जाता था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद से बंद कर दिया गया है। विद्युत कर्मचारी की मांगों का तत्काल निराकरण होना चाहिए। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये बिजली जोड़ना जानते हैं तो बिजली काटना भी जानते हैं। विद्युत कर्मचारी लगातार 24 दिन से आंदोलनरत हैं। इनकी कोई बड़ी मांग नहीं है। ये 3000 संविदा कर्मचारी लाइनमैन जिन्हें परिचारक कहा जाता है आंदोलन कर रहे हैं, 24 दिन हो गए हैं। इनकी दो मांग है, इन्हें संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। दूसरा मांग है, जो 25 लोगों की मौत हुई है काम करते समय, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। 25 कर्मचारियों की मौत हो गई है 2004-05 में, 7-8 में, 10-11 में, लगातार हम लोगों ने इनको रेगुलर किया दो दो साल के अंतराल में। 16 और 18 में जो नियुक्ति हुई है वो 3000। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के शामगढ़ में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोविंद सिसोदिया ने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकालकर उसके बाद कांग्रेस से 3 वरिष्ठ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े, जिसमें कांग्रेस से मुख्य भूमिका निभाने वाली प्रमोद परकिया सहित 2 अन्य लोगों ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो वही आम आदमी कार्यकर्ताओं ने बताया कि धीरे धीरे आप पार्टी का सिस्टम मजबूत होता जा रहा है और आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को ईमानदारी के साथ उतारेगी। सरकार ने जो काम किए हैं उसके एवज में पंजाब में हम लोगों ने पंजाब में एक सरकार बनाई है। आज पूरे देश के साथ ही मंदसौर और नीमच जिले की जनता भी आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है और उसी कड़ी में हम लोग जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले रविवार दलोदा में किया था, वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रभावशाली रैली निकली थी, लोगों का उत्साह बढ़ा, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और आज अगली कड़ी में हम लोगों ने आपकी पावन धरती पर शामगढ़ पधारे हैं और यहाँ पार्टी की आंधी चालू हुई है। कल ही आपने देखा होगा कि हमारे
केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने कल बहुत बड़ी रैली अहमदाबाद में जो कि बीजेपी का गढ़ है उसके अंदर निकाली, और वही चीज़ अब हम लोग एमपी में, मध्य प्रदेश में छोटी से छोटी जगह में और छोटे से छोटे गाँव तक आम आदमी पार्टी को पहुँचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शामगढ़ की ये हमारी कार्यकर्ता मीटिंग रही। अब इस कार्यकर्ता मीटिंग का जो अगला हिस्सा रहेगा, जो कार्यकर्ता प्रशिक्षण रहेगा, वो अब चालू होगा, तो इसी कड़ी में हमने ये शामगढ़। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान के तहत लाखों सदस्य बनाए हैं, वही अब डिजिटल सदस्य बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। डिजिटल माध्यम से अधिक सदस्य बनाने के कारण एआईसीसी ने सदस्यता अभियान को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब 15 अप्रैल तक सदस्य बनाने का क्रम जारी रहेगा। सदस्यों की सूची कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन को जिलों के द्वारा भेजी जा रही है। अब तक 14 लाख से अधिक कांग्रेस सदस्य बनाए जा चुके हैं। एआईसीसी के निर्देश पर 1 नवंबर से सदस्यता अभियान प्रदेश में शुरू हुआ था। अब तक 14 लाख से अधिक सदस्य बनाए जा चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला अध्यक्षों के माध्यम से अभियान शुरू किया था। इस दौरान 10 जिलों में नगरीय निकाय चुनाव के चलते अभियान कमजोर हुआ था। उसके बाद दिसंबर में डिजिटल सदस्यता अभियान भी चलाए जाने के ऐलान के बाद इसमें तेजी आई। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी ओर से टारगेट पूरा करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया था। अब छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से माननीय मोहन मरकाम जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान को विशेष अभियान के तौर पर हम लोगों ने लिया था, और 1.5 गुना अधिक सदस्य बनाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ यूनियन राजस्थान का कांग्रेस के लिए तो मॉडल स्टेट बना हुआ है, तो आने वाले समय में इलेक्शन होगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पन्ना टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। खजुराहो और पन्ना को मिलाकर एक बड़ा टूरिस्ट हब बनने के लिए तैयार है। इसके लिए और क्या किया जा सकता है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा ने जीत का टाल ठोक दिया है। वहीं कांग्रेस भी 29 बिंदुओं के घोषणा पत्र के आधार पर जीत का दावा भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खैरागढ़ की जनता पर विश्वास जताते हुए भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल की जीत को सुनिश्चित बताया है। रफ्तार मीडिया के संवाददाता आनंद राणा ने डॉक्टर रमन सिंह से उपचुनाव पर खास चर्चा की। छत्तीसगढ़ के एक सीट में उपचुनाव हो रहा है, खैरागढ़ उपचुनाव में है, जिस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे क्या रणनीति रहेगी सर, खैरागढ़ में उपचुनाव है। खैरागढ़ में हम लोगों ने स्पष्ट रणनीति रखी है कि कांग्रेस सरकार की 3.5 साल की असफलता को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हुए उस पूरे क्षेत्र में, खैरागढ़ गंडई से लेकर छुईखदान और सालेवारा क्षेत्र में, उनके मुद्दों को लेकर जाएंगे। और उसके साथ ही साथ जो बड़ा विषय जो खैरागढ़ के लिए है, मुझे लगता है कि गरीबों के लिए आवास छीन लिया मुख्यमंत्री जी ने। कम से कम 15,000 आवास खैरागढ़ में मिलना था, आप 29 घोषणा आप कर दिए हो तो 30 घोषणा पत्र घोषणा किए होते। कम से कम 15,000 आवास गरीबों के जो नहीं बन पाए हैं, जो आज गरीब भटक रहे हैं, गरीबों ने अपने घर बेचकर, ज़मीन बेचकर पैसा कुछ जुगाड़ करके मकान बनाना शुरू कर दिया है, मगर ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना लौटा दिया, तो आज गरीब भी ये प्रश्न कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री, हमारा आवास कहाँ है। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर रही है उपचुनाव के लिए, उस घोषणा पत्र में सीधा सीधा यह है कि 3.5 साल आपने जन घोषणा पत्र का कितना क्रियान्वयन किया, जो 1.5 साल के लिए 29 बिंदु में और घोषणा लिया है, पुराना काम नहीं कर पाया और नए काम की वादा कर रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि सिर्फ चुनावी घोषणा है, इसका क्रियान्वयन करने की कोई मंशा मुख्यमंत्री की नहीं। खैरागढ़ को जिला बनाने की भी मांग कर रहे हैं लोग, ये मांग रही है, निश्चित रूप से मांग रही है। तो ये जब आप 4 जिला भी बनाए थे 2021 में,
उस समय खैरागढ़ का महत्व देना था, उस समय खैरागढ़ को बनाना था। तो ये थे हमारे साथ रमन सिंह जी, जिन्होंने बताया कि खैरागढ़ को जिला पहले बना देना चाहिए जब चार जिला बनाए थे, और अपने चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति रफ्तार मीडिया के साझा की। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ आनंद राणा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़। तो अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉर नॉटिंग।